अमरोहा के एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे का नाम काटे जाने पर बवाल बढ़ गया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने नॉनवेज लाने पर नर्सरी में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने दावा किया कि बच्चे ने स्कूल में सभी बच्चों को मुसलमान बनाने की बात कही, जिसके बाद स्कूल से बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना के बाद बवाल बढ़ गया। बच्चे के परिजनों ने प्रिंसिपल पर एक्शन की मांग की है। बच्चे के परिवार को जानने वाले प्रिंसिपल पर एक्शन की मांग को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे हैं, जबकि कांग्रेस के नेता मेराज हुसैन परिवार से मिलने पहुंचे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल बच्चे की मां से कह रहे हैं कि वो ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते जो स्कूल में नॉनवेज लाता है और हमारे मंदिरों को तोड़ता है। अच्छा, वीडियो में प्रिंसिपल ऐसा कह रहा है ना? प्रिंसिपल पता नहीं क्यों आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर, हमारे भी समझ में नहीं आ रही। 2 तारीख को बच्चा स्कूल गया, ठीक है, तो इनको नेशनल असेंबली तो हो गई थी, असेंबली के बाद इन्हें बुलाया, पहले पता नहीं मारा है, जो भी करा हो इन्होंने, इसकी वीडियो बनाया। क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना, हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर, 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज में नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। और 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने हम दिखा रहे हैं इस पूरी घटना से जुड़ी हुई। एक तरफ प्रिंसिपल का ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जहां पर प्रिंसिपल बच्चे की मां से कह रहे हैं कि आप ही के बच्चे ने माना है कि वो बार बार नॉनवेज लेकर आता है और वो बच्चों से ये भी कहता है कि वो सबको नॉनवेज खिलाकर मुसलमान बनाएगा। दूसरी तरफ एक्शन की मांग चल रही है प्रिंसिपल पर, क्योंकि बच्चे से जुड़ा जो समुदाय है वो नाराज है, क्योंकि बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया गया इस घटना के बाद। और कांग्रेस के नेता भी बच्चे के घर पर पहुंचे हैं और उन्होंने इस मामले में प्रिंसिपल से एक्शन की मांग की है। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल का आरोप है कि स्कूल में नॉनवेज लाना मना है, उसके बावजूद भी बच्चा बार बार नॉनवेज लेकर आता है और अपने साथ के बच्चों से कहता है कि वो उनको भी नॉनवेज खिला करके मुसलमान बना देगा, लिहाजा स्कूल में इस तरह की विचारधारा की कोई जगह नहीं है। हालांकि प्रिंसिपल जो है वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं वीडियो में कि मंदिरों को तोड़ने वाले और मुसलमान बनाने वाले बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते। उधर कांग्रेस के नेता मेराज हुसैन बच्चे के परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने वहां पर प्रिंसिपल पर कार्रवाई की मांग की है। अमरोहा के स्कूल में मुस्लिम बच्चों के नॉनवेज ले जाने के मामले में लगातार बयानबाजी हो रही है। संत समाज ने नाराजगी जताई है। संत समाज ने कहा है कि स्कूल विद्या का मंदिर होता है, वहां किसी भी तरह से नॉनवेज ले जाना ठीक नहीं। देखिए, दोनों की तुलना बहुत गलत है। वैसे स्कूल में मांस ले जाना गलत है, ये तो जो निकाला वो सही है, लेकिन कलावा बांध लेना, तिलक लगा लेना या और किसी प्रकार के उपहार लेना उसके बाद स्कूल से निकालना, ये गलत है। जो स्कूल से निकाले गए हैं वह वस्तुतः है प्रिंसिपल ने गलत किया है, क्योंकि कलावा बांध लेना एक अपने धार्मिक चिन्ह है। कभी कभी अनुष्ठान होता है, कथा होती है, कुछ होता है, तो उससे पंडितों के द्वारा उनके हाथ निश्चित रूप से, जहाँ पर एक शिक्षक ने, जिसे हम गुरु कहते हैं और गुरु अर्थात भगवान का स्वरूप होता है, ऐसे में उस शिक्षक ने विद्यालय की गरिमा और विद्यालय की प्रतिष्ठा को रखते हुए नॉनवेज लाने वाले बच्चे को बाहर निकाला और उसका विरोध किया, क्योंकि विद्यालय एक मंदिर है, वो किसी भी संप्रदाय का विद्यालय हो मंदिर है, अर्थात गिरजाघर है, मस्जिद है, मंदिर है, तो ऐसे में ऐसे पवित्र स्थल पर इस तरह की उपयोग वर्जित है, जिसका शिक्षक ने विरोध किया, निश्चित रूप से वो शिक्षक प्रणाम करने की योग्य है, वंदनीय है।